नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। रामायण मुख्यतः एक ऐसा महाकाव्य है जिसे सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, तत्पश्चात इसे विभिन्न कवियों द्वारा अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और माँ लक्ष्मी के अवतार माता सीता की जीवन लीला पर आधारित है। कैसे और क्यों श्रीहरि ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया और उन्होंने कैसे दुराचारी रावण कांत की, ये सारी बातें रामायण में लिखी है। अरे आप जानते भी हैं, लेकिन रामायण से संबंधित ऐसी बहुत सारी रहस्यमय कथाएं हैं जो सामने तक बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ दिलचस्प रोचक हम लाए हैं आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है। इस घटना के होने के बाद माता सीता अत्यंत दुखी तो व्यथित हो चुकी थी। उन्हें श्री राम की वीरा ने इतना झकझोर दिया था कि उन्होंने निश्चय किया कि वो अंजल को त्याग कर देगी। इस घटना का अवलोकन परम पिता ब्रह्मा अपने लोक से कर रहे थे। तब उन्होंने सीता जी के निश्चय को जाना तो वो चिंता में पड़ गए और विचार किया कि यदि माता सीता ने इसी प्रकार निरंतर अंजल को त्याग कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, हे इंद्र, नियति अनुसार रावण ने माता सीता को हरण कर लिया है जिसमें तीनों लोगों का हित और राक्षसों का विनाश छुपा हुआ है। लेकिन सीता जिन्होंने श्री राम के विरह में अंजल त्याग कर दिया, ये उचित नहीं। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाओ और अपने साथ देवी निंद्रा को भी लेते जाओ ताकि वो उपस्थित सभी राक्षस और राक्षसियाँ निंद्रा के प्रभाव में आ जाए। उन्हें इस बात का पता न चल पाए कि तुम जानकी को ये दिव्य खीर प्रदान कर रहे हो। इसके बाद देवेंद्र ने अपने साथ देवी निंद्रा को लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। देवी निंद्रा के प्रभाव से वहाँ बैठे सारे असुर सो गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र माता सीता के पास गए, बोले, हे देवी, मैं देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी के लिए मैं श्री राम की सहायता अवश्य करूँगा। कृपया अपना शोक न करें। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं आपके लिए दिव्य खीर लाऊं, कृपया इसे ग्रहण करें जिससे आपकी हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। ये सुनकर माता सीता ने इंद्र से कहा कि इस माया भरी नगरी में मैं ये कैसे मान लूँ कि आप ही इंद्र हो। इस पर इंद्र ने अपने पैरों से पृथ्वी को स्पर्श नहीं किया और आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरी, उनके कंठ की मालाएं कुमलाई हुई नहीं थी। इस प्रकार देवी लक्षण को देख के माता सीता ने उन्हें पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। इस प्रकार माता सीता ने देवेंद्र से दूध की बनी दिव्य खीर को ग्रहण किया। दिव्य खीर ग्रहण करने के बाद जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया जिसके कारण वह लंका में बिना अन्न जल के जीवित रह सके। देवराज इंद्र द्वारा माता जानकी को दिया गया अवश्य अर्थात दिव्य खीर प्रसंग का प्रमाण महर्षि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में प्रचित सज में पाया जाता है।